कोरोना जैसी महामारी ने कई लोगों के सिर से छत छीन ली है। अन्य शहरों से लौट रहे लोगों से आवाम इतनी खौफ जदा है कि कल तक आपस में गल बहिया कर रहे पड़ोसी तक उन्हें दुत्कार कर भगा रहे हैं। ताजा मामला कसाई मोहल्ले का है, जहां कुछ दिन पहले बीना से लौटे 8 लोगों को, जो फेरी लगाकर घी बेचने का व्यवसाय करते हैं, को क्षेत्र के रहवासियों ने मोहल्ले में घुसने से ही रोक दिया। जबकि ये लोग क्षेत्र के ही मुन्ना लाला और गफ्फार खान के यहाँ अपने परिजन और रिश्तेदारों के साथ किराए से रहते हैं। हालांकि दोनों मकान मालिकों को इनके रहने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन रहवासियों के विरोध के कारण यह 8 लोग अपने परिजन और करीबियों लगभग 70 लोगों के साथ चंबल पुल चामुंडा माता मंदिर के करीब के नीचे खाना बदोश जैसा जीवन गुजारने को मजबूर है। इनके सर पर छत नहीं है, हालांकि शहर की सामाजिक संस्थाएं इन्हें दोनों समय का भोजन जरूर पहुंचाती आ रही है। मंगलवार रात जब शहर के कांग्रेस नेता चेतन यादव को दुश्वारियों में जीवन गुजार रहे लोगों की खबर मिली, तो उन्होंने हस्तक्षेप कर स्थानीय प्रशासन से इन 70 लोगों की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया। इसके बाद बुधवार दोपहर में इन सभी को SDM RP वर्मा के निर्देश पर तहसीलदार विनोद शर्मा और नगरपालिका के नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी ने नए बस स्टैंड पर पहुंचाकर इनके रहने और खाने का प्रबंध किया। एक ही बार तो उनका कल खाली हुआ। शंकर पिता भी हूँ या फिर कसे मोहल्ले राजा भैया वाले मकान में 3 है। राजा भैया कौन सा है? राजा भैया कौन है? राजा भैया इस गली में है ना? ये कहाँ पर था? ताला लगा दिया था। हाँ, ये वाला वो यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली है, और ये जो राजा भैया वाले में ना यहाँ पर 3 एक साथ रहते हैं। तीन थोड़ी मतलब इसमें तो यहाँ से वहाँ तक कम से कम 28 साल में नहीं तो आप वो उधर के कमरे में रहते हैं। ये अलग है सर, ये फैमिली अलग है। ये फैमिली अलग थी, वो फैमिली अलग, वो अलग। ये सब निकाल दिया ही, खुद चले गए। नहीं, वो मकान मालिक ने निकाला सर इन लोगों को। ये क्या है साहब? सकते भाई, मुझे भोपाल से आया ना, वो सर रोज मिलने जा रहा था, इतने मना करा कि तुम वहाँ को जा रहा हो, भोपाल वालों का ऐसा है, फिर बोला तुम ये काम करो वहीं जा। वो बार बार सर वो डेली मिलने के लिए जा रहा था उनसे वहाँ पे, पर वो सुबह जाके चले जाते और रात को मैडम ये वापस आ जाते थे। उनका यही काम था, इन्होंने भी इसी वजह से भगाया उनको कि भाई यहाँ तो यहाँ रह रहे हो आप लोग, कहाँ रहो और वहाँ का जा रहे हो तो फिर यहाँ से मकान खाली करो। तो वो लोग मारे और सुबह उठते साथ में चले जाते, उनके साथ खाना पीना खाते वहाँ नदी पे, जो साथ में वहाँ छोड़ा था उन लोगों को नदी पे। वो 8 लोग जो वहाँ से भोपाल साइड से आए थे ना, उन लोगों को हमने यहाँ नागदा में नहीं आने दिए, साथ को हमने संज्ञान में डाल दी थी इस चीज़ के लिए सर ये लोग यहाँ आए, इन्होंने उनकी व्यवस्था वहाँ करवाई और ये लोग यहाँ रह जाते। ये लोग सुबह उठ के चले जाते और उन लोगों के पास जाके मिल जाते, उन लोगों की वजह से फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप लोगों का भगाए नहीं श्रीमान, भगाए किसी को भी नहीं। अगर कोई हमारे मोहल्ले में आता तो उसकी रुकता नहीं, तो हम उसका दावत भी निभा रहे और आप लोग वहाँ जाकर मिल के आ रहे हो। उसके हिसाब से सब मोहल्ले ने कहा कि आप वहीं चले जाओ सकते। इनको भी कल यही कहा, मना करा, इन लोगों को भी ये भी मान नहीं रहा था सर, बार बार वो आना जाना लगा रखा था, अगर उसमें कोई संक्रमित हुआ तो हमारा मोहल्ला तो पूरा खराब हो जाए। इस वजह से आपने निवेदन करके उन लोगों से कहा कि आप लोग वहाँ चले, आप वहीं रहो। यहाँ से भी किसी ने भगाया नहीं, उन्होंने यहाँ से भी किसी ने भगाया मान नहीं रहे थे मैडम, वो लोग बिल्कुल डेली सुबह उठना 6:30 उठ कर वहाँ लोग चले जाते, मान नहीं रहे किसी के भी नहीं मानते। ये देख लीजिए उनकी कंडीशन, इतने गंदे लोग थे मैडम, ये दीवार देख लीजिए हम इसकी गवाह इस चीज की। जिस होटल में बैठ जाते हैं वो लोग उसने पे थूकते हैं, गंदगी करते हैं वो लोग, ना उनको नहाने से मतलब है, ना धोने से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। राजा भैया कौन है? राजा भैया पिताजी का ये सब नहीं, मतलब जिसका ये है ना, ये मकान देखता रहा चाचा का पूछा आप जी।
आप भी कहा है जी हाँ निकाल दिया उसमें से दो महिलाएं गर्भवती है ये तो माना था गर्भवती तो थी पहले से हाँ, वो ऐसे तो, नदी के नीचे मंदिर पर खाना पीना सब मिल जाएगा उनके साथ ही रहो तुम जब मानते नहीं हो तो फिर क्या करो उनकी मैडम हरकत साथ में गिना ना उस दिन 28 मैंने खुद ने गिनवाया खड़े रह गए एक कमरे के अंदर दो कमरे में 28 लोग खड़े और सारे के सारे मैडम शराबी हैं 40% शराब पीते हैं महिलाएं भी शराब पीती है आदमी भी शराब पीते हैं उसके बाद जो हम भुगत रहे होंगे ठीक है धंधा पानी कर लेकिन उनकी हठधर्मी मैडम इस तरह की थी कि जिन चीज के लिए हमने उनको मना करा वो होश करके उस चीज को कर रहा है अभी भी शाम को आ जाए भाई साहब आठ लग आए थे तो उनको वही ठहरा देते बार बार मिलने कोई टाइम जा रहे थे तो मना करके जाओ मत या तो वही रहो आप या फिर मिलना मत जाओ तो बोले हम तो जाएंगे तो बोला तुम ही रहो तो उसमें दादागिरी करता है एक जना कि मैं तो घी बेचने जा रहा हूँ उनसे मिलने नहीं जा रहा हूँ और यहाँ लोगों से बोलता है कि मैं तो जाऊँगा कौन रोकेगा मुझे अगर ऐसे कुछ उसे रोग लग जाता तो फिर ये तो सब बदनामी वाला काम हो जाएगा किसी ने जो कल मीडिया में बताया ना कि इन्होंने ऐसा किराए की वजह से भगा दिया गलत बात है ये झूठी बात है कोई किराए की वजह से नहीं भगाया और जो लोग वो किराएदार है अगर वो कहते हमारे मुँह पे तो हम और उन्हें किराए दे देंगे पैसे दे देंगे अगर वो झूठ बोलते ऐसे वो झूठ नहीं बोलेगी वो डोकरी है कि वो ईमानदार है उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने किराए की वजह से निकाला ऐसा नहीं बोल रहे लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे बहरहाल कोरोना के डर के कारण लोग इतने संवेदना शून्य हो चुके हैं कि पुल के नीचे रहने को मजबूर लोगों में शामिल 3 गर्भवती और 6 जवान युवतियों को भी मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं दी जबकि इन सभी का मेडिकल चेकअप कराने के बाद इन्हें स्वस्थ बताया गया था बावजूद लोगों पर हावी कोरोना का डर ना चाहते हुए भी अमानवीय व्यवहार करने को मजबूर कर रहा है